केंद्र सरकार कश्मीर मामले पर बात करने को तैयार है, पर अलगाववादियों से कोई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल रोकने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने नए बयान दिए। कोर्ट में अब इस मामले में जम्मू एंड कश्मीर बार एसोसिएशन से सभी पक्षों से बात करके सुझाव पेश करने के लिए कहा है। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव पर कहा कि राज्य में शांति के लिए सरकार और लोगों में बातचीत होनी जरूरी है, लेकिन बातचीत से पहले सुरक्षा बलों पर होने वाली पत्थरबाजी पर रोक लगनी भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्षों में टकराव होता रहेगा तो बातचीत कैसे होगी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से घाटी में पत्थरबाजी रोकने के सुझाव मांगे हैं। Chief Justice of India, he has agreed that Mr. Qayyum, he has a very important role to play there, or in case the bar association. So we'll talk to the PP. वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि कश्मीर में हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए वो अलगाववादियों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां बातचीत करने को तैयार हैं तो केंद्र सरकार इसके लिए राजी है। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।